हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो है ये देख सकते हैं आप, मोर पंख भी कहते हैं हम इसे, विद्यापड़ाई भी कहते हैं और सरू का पौधा भी कहते हैं, इसके ऊपर है। बहुत देर पहले मुझे एक कमेंट आया था कि हमारा पौधा जो सूखने लग चुका है, तो मैं उसका जवाब या रिप्लाई नहीं दे पाया था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्या है कि आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ज़मीन में अक्सर लगा हुआ पौधा आपने देखा होगा कभी नहीं सूखता, तो गमले में लगे पौधे क्यों सूखने लग जाते हैं, उसका एक कारण होता है, एक टाइम पीरियड होता है जो कि जैसे कि पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, 2-3 साल पुराना हो जाता है, तो उसके रूट्स बाउंड हो जाते हैं। तो रूट्स बाउंड होने के बारे में आपको बताऊंगा और जो मेरे पास वीडियो आई थी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे पास गमले में लगा हुआ पौधा नहीं था, तो मैं एक और साइफ्रक्स का एक पौधा और मेरे पास था वो आपके साथ सफलेरा का, तो उसके रूट्स बाउंड के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पौधा पुराना हो जाता है तो उसका रूट्स बाउंड हो जाता है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जड़ें भर जाने के कारण गमले के अंदर बिल्कुल ही स्पेस नहीं रहती, जो हम पानी डालते हैं वो पानी भी इस साइड से होकर नीचे निकल जाता है, तो हमारे पौधे को प्रॉपर तौर पर खाद नहीं मिलती। तो हमें क्या करना होता कि आपको पौधा इस तरह से गमले से निकालना होगा, गमले को निकालने के बाद थोड़ी सी इसकी जड़ें जो हैं इस तरह की ये सारा कुछ साफ कर देना होगा। आपको करके दिखा देता हूं मैं, इसकी कुछ देर पहले मैंने की थी तो इतनी ज्यादा जड़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो इस तरह से आपको मिट्टी नीचे की हटा देनी होगी और ऊपर से थोड़ा सा ये जो मोटी मोटी जड़ें हैं इसको निकाल देना होगा। क्या होता है कि पौधा कभी आपका सूखेगा नहीं, खासकर हमारा मोर पंख का पौधा जो होता है वो बिल्कुल ही नहीं सूखता, क्योंकि वो पौधा कटिंग से भी चल जाता है। ये देखिए जो इतनी मोटी जड़ें हैं ना, ये मिट्टी से निकल के ऊपर की तरफ आने लग चुकी हैं। तो आप इसको साफ करके इसके अंदर खाद वगैरह ऐड करके फिर से रिफिल कीजिएगा। ये देखिए ये जो जितनी भी हैं, ये कितनी मोटी मोटी सी जड़े हैं, इनको हम निकाल देंगे यहां से। क्या होगा कि दोस्तों आप सोचें ये पौधा सूखेगा, पौधा बिल्कुल ही नहीं सूखेगा, नए रूट्स नई जड़ें आएंगी पौधे की और नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, आपका पौधा फिर से पहले जैसे हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि जड़ें फैलने के लिए उनको स्पेस मिल जाएगी। तो अगर आपका गमले में लगा हुआ पौधा है थोड़ी बहुत ही उसकी कटिंग भी कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा जब पौधे की कटिंग कर देंगे जो पुराने पत्ते होंगे वो पौधा एक तो शेप में रहेगा थोड़ा, जितना गमले की हाइट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जितना आपका गमला है उस हिसाब से पौधा रखें। जैसे कि ये पौधा बहुत बड़ा हो सकता था, आप देख सकते हैं एक तरह का बॉन्साई की शेप ले चुका है, लेकिन हमने इसको ट्रिम कटिंग कर दी थी, आपने देखे यहाँ से, तो इस मैंने इसको गमले के हिसाब से ही रखा हुआ है। तो हमने अब मिट्टी को साफ कर लिया है, जड़े एक साइड कर ली है, मिट्टी एक साइड कर ली है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा इसके अंदर आप बर्मी कंपोस्ट जैसे कि 50% जो पुरानी मिट्टी होगी वो 50% अगर बर्मी कंपोस्ट है 50% डालिए, अगर गाय की गोबर की खाद है तो आप उसको 25% ऐड कर लीजिएगा। तो क्या है कि मेरे पास गाय की गोबर की खाद जो थी वो वाली, तो मैं मिक्स कर दूंगा इसके अंदर। तो हम इसको अब भर लेंगे। आप एक चीज देखिएगा, जड़ें इतनी ज्यादा हो जाने के कारण जो ये देखिए आप साइड पे सारी की सारी ही जड़ें हैं। अब इसमें मिट्टी डालिएगा। जो साइडों में स्पेस है बाकी की मिट्टी इसके अंदर भर दें। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, पानी अगर आप जिस समय आप पौधे के अंदर नई मिट्टी खाद डालते हैं तो पानी इतना
डालें ताकि ओवर वेस्टेज कम से कम हो। क्या होता है जब ज़्यादा पानी डालते हैं, ज़्यादा ओवर वेस्टिंग होती है कि अपना फर्श भी ख़राब होता है और साथ में जो खाद होती है वो बहकर निकल जाती है और आपका पौधा दोबारा से अपनी शेप ले लेगा, बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा।